अस्सलाम वालेकुम जी, आपका भाई HSN एंटरटेनमेंट वाला शेबी शुकीन के पास आया। भाई ये देखें, यहाँ पर माशाल्लाह से US मुडीना, और ये इनका छोटा सा प्यारा सा घर है। यहाँ पर ये रहते हैं बच्चे बुच्चे, तो ये गरम अंडे बेचते हैं भाई रात को। गरम अंडे सर्दियों में आवाजें लगा लगा के। क्या हाल है शेबी भाई? अल्लाह का शुक्र, आप ये क्या सीन है अंडों का? ये अंडे बेचने हैं रात को। नहीं सीरियसली, क्यों उठाए हैं ये अंडे वगैरह? ये फॉस्टर पेयर्स के एग हैं जी। फॉस्टर जो वो होते हैं फैंसी के, जो है ना, जैसे हमारे मुडीना हो गए, अमेरिकन हो गए, इनके अंडे लेके जाते हैं। मतलब इन वालों के अंडे उठाए हैं आपने? हाँ जी। और क्या किया उनको? जो रेसर होते हैं, लट्ठे होते हैं, उनके नीचे रखते हैं। अच्छा, उनके नीचे रख देते हैं, ये अंडे उठा लेते हैं। ये उनके उठाए हैं आपने? ये हम लगाते हैं दाने के ऊपर, दाने के ऊपर लगा के उनको सर्व करते हैं। परिंदे आपके टोटली हीट में रहते हैं, मतलब जाया नहीं होते ना? ना ना, ये दाने के अंदर डालना है, ऐसे ही मिक्स करना है। और मडू प्रोग्राम बंदा वैसे है फुल दिहाड़ीदार, छोड़ता कहीं से भी नहीं है। शेबी शुकीन यूट्यूब चैनल वाला। अच्छा शेबी भाई, दिखाओ जरा सेटअप तो विकेट कराओ। इनका क्या करना है? इनको धूप लगवाने के लिए बाहर निकाला हुआ है। सारों में धूप लगती है थोड़ी देर। भैया अगर चाहिए हो तो मिल जाएंगे। हाँ, मिल जाएंगे। ये वाले US मुडीना भाई बच्चे मिलेंगे, बड़े नहीं। ये नहीं? ना, 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 ना। तो ये लाल वाले जो है बड़े वाले? बड़ा पीस नहीं, बच्चा। बड़े क्यों नहीं देंगे, क्या वजह है? बच्चा प्रोग्राम चलता है, बड़ा पीस देगा अपना मशीन जाएगा। अच्छा अच्छा, बड़ा नहीं देंगे? बड़ा नहीं देगा, छोटे छोटे देंगे। चले अंदर चलते हैं, चले अंदर जाकर देखते हैं इन्होंने क्या क्या लगाया हुआ है और किस तरह लगाया हुआ है। ये देखें, ये पहले ही अंदर आते हैं साथ। अच्छा, मैं लास्ट टाइम आया था ये सेटअप तो नहीं था यहाँ पे? नहीं, ये नहीं था। ये नया लगाया है? ये क्या लगाया हुआ है सारा? ये अभी लगा ले के एक्स्ट्रा पीस है, कुछ डैनिश वगैरह के ये पीस पड़े हुए, ये एक्स्ट्रा पीसेज हैं जी। ये एक्स्ट्रा है? ये तो मिल जाएंगे कि नहीं? ये भी नहीं मिलेंगे? मिल जाएंगे। इसमें से वाइट की फीमेल्स हैं, व्हाइट की फीमेल ये ऊपर भी लगी हुई है। इस साइड पे भी देखेंगे आप, ये सारी व्हाइट की फीमेल लगी हुई है। ये सारे एक्स्ट्रा पीस हैं? ये सारे एक्स्ट्रा हैं, ब्लैक की एक फीमेल है, बाकी व्हाइट की फीमेल है। ये भी एक्स्ट्रा है? बिल्कुल एक्स्ट्रा। ये भी मिल जाएगा? मिल जाएंगे, मिल जाएगा। अच्छा मुझे बताओ, ये जो डैनिश है, डैनिश ये जो ये वाले हैं, ये उड़ने के लिए हम रख सकते हैं? हाँ, ये टुकड़ी वालों में इस्तेमाल होते हैं। पर ये टुकड़ी वाले क्या होता है? जो टुकड़ी में उड़ाते नहीं है, छोड़ते हैं वो गोल गोल घूम के। अकेला नहीं फिरता ये? फिर लेते हैं लोग छोड़ते, पर टुकड़ी के अंदर से ज्यादा ये। इस तरफ आए, इधर क्या लगाया भाई? ये कौन सी ब्रीड है भैया? ये है सेमी मॉडर्न के अंदर सैडल फैंटेन है। सैडल फैंटेन? ये लास्ट टाइम नहीं थे आपके पास जब मैं आया था, या मैंने देखे नहीं थे? आपने देखे नहीं होंगे, पर ये इधर नहीं थे। इधर नहीं थे ये? इधर नहीं थे ये, दूसरे वाले केजेस के अंदर पड़े हुए। अच्छा अच्छा, और ये भी वही है? ये भी सैडल फैंटेन है, ऊपर दिखाएं, ये भी सैडल फैंटेन है। ये कौन से हैं? रेड कलर के अंदर। अच्छा, डिफरेंट है कलर इनका? सही है। ये देखिए, ये रेड और ब्लैक लगाया हुआ जो नीचे। तो ये वाले जो हम अगर रखते हैं घर में, हाँ जी, तो इनकी तो गर्दने पीछे बहुत ज्यादा मुड़ी हुई है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता इनको मतलब संभालने में? ये दाना पुना कैसे खाते हैं? बेहतरीन, जब इन्होंने दाना भूखा नहीं, उन्होंने गर्दन नीचे कर लेनी। मतलब ये इनका स्टैंडिंग पोजीशन है, स्टैंडिंग पोजीशन है, खूबसूरत लगती है भाई। ये लॉन में छोड़े हो, लोग लेके जाते हैं, बहुत से बंदे रहते हैं ऐसे करते हैं, वो प्रॉपर शौकीन होते हैं जिन्होंने लॉन वगैरह में छोड़ने होते हैं। तो ये और कौन से लगे हुए हैं? ये कुछ अमेरिकन है, ये एक्स्ट्रा फीमेल है एक। ये भी मिल जाएगी? हाँ हाँ, मिल जाएगी। सही है। ये ब्लैक टेल है ना? ये ब्लैक टेल है जी। यार ये आपके ब्लैक टेल का साइज माशाल्लाह बहुत बड़ा है, ये क्या चक्कर है भाई? बस ये है कि थोड़ा डाइट प्लान, बाकी ये है थोड़ा सेमी मॉडर्न के अंदर है। सेमी मॉडर्न क्या होता है? ये सेमी मॉडर्न की फीमेल है, इंग्लिश का मेल है ये। होता क्या सेमी मॉडर्न? सेमी मॉडर्न भाई होता है मॉडर्न और इंग्लिश के क्रॉस में होता है, क्योंकि जो प्रॉपर ब्लैक टेल मॉडर्न के अंदर है ना जी, उसके कुशन। अच्छा मुझे बताओ, ये बाजियों में लगा देते हैं बच्चे उड़ाने लग जाते हैं, इसमें कौन से हैं जो उड़ा नहीं सकते हैं, हम घर में शौक के तौर पर रख सकते हैं? भाई ये सारे शौक वाले हैं, ये उड़ते नहीं है? नहीं, उड़ने के लिए काम नहीं आते, उड़ने में काम नहीं आते हैं। अच्छा अब उधर वाली साइड पे चलते हैं, उधर भी जाकर देखते हैं क्या लगा हुआ है। उधर वाली साइड पे चलते हैं, उधर भी जाकर देखते हैं क्या लगा हुआ है। वो वाला सेटअप हमने लास्ट टाइम दिखाया हुआ, ये वाला नहीं हमने दिखाया था। माशाल्लाह सही है ये। अच्छा ये शेबी भाई क्या है मुझे बताएं जरा, ये नहीं ना उड़ता, ये नस्ल नहीं ना उड़ती? नहीं। इसको आप मतलब छोड़ेंगे नीचे वाली साइड पे जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा? ये कौन सा होता है? ये किंग पिजन है। मुडीना नहीं, मुडीना कहते हैं आपको, किंग पिजन। ये चार है, चार शो के लिए मेरे पास 10 पेयर तो होने चाहिए कम से कम शो के लिए। अच्छा ये वाले जो रखे हुए ये क्या चीज है? ये डैनिश है सारे? चलाए बाहर चलते हैं यार, मैं भी आपको दिखाता हूँ कि जो US मुडीना है ना, इनको हाथ पे रखेंगे कटे नहीं हुए ना, इनके टेम्ड ऐसे धूप में बाहर छोड़े हुए हैं,
तो ये छलांग मारेंगे, ये ऊपर नहीं जाएंगे, नीचे जाएंगे, उनको ऊपर भी फेंकेंगे नीचे। ये कटे परिंदे नहीं है इस टाइम, ये कटे नहीं ना हुए, ये देखें ये कटे नहीं हुए हैं। अब मैं इनको उड़ाऊंगा यहाँ से नीचे वाली साइड पे जाएंगे, एक सेकंड ठहरे। अब तो ये उड़ने में ही आवाजार होते हैं, खा खू भी सकते हैं ना लाल करके भाई, खा सकते हैं, बिल्कुल खा सकते हैं। ये हैवी वेट के अंदर होते हैं, इन्होंने बेचारों ने कहाँ जाना है। ये देखें भी मैं उड़ाता हूँ इनको, उसे बेचारे से यहाँ पर नहीं हिला जा रहा अपनी जान से आवाजार है। ये देखें नीचे आ गए, ये ऊपर नहीं जाएंगे, अब इनको इनके पीछे जाएंगे, इन्होंने इधर ही भागते रहे, इन्होंने उड़ना नहीं है, है ना, ये जंप भी नहीं ना करेंगे। नहीं नहीं, वही चाह से बहुत जोर से डराए ना तो हल्का सा कर लेंगे जंप बस। ये देखें ये उड़ते ही नहीं है, कैसी मजेदार चीज है, और मुर्गी जा रही है। अच्छा इसमें है कोई मुर्गी का क्रॉस, कैसे ड्रामे है, झूठ है? नहीं नहीं झूठ है, ये कबूतर कबूतर के क्रॉस में ही है। ये जायंट बनाते हैं, जायंट चीजें हर ब्रीड्स के अंदर ये डेवलपमेंट चल रही है, गोरे डेवलपमेंट कर रहे हैं इसके ऊपर। सही है। अच्छा ये इसका बताएं, ये वाले तो हमने पहले भी दिखाए हैं, ये तो मिल जाएंगे है ना? जी जी, ये बच्चे तैयार हो रहे हैं अभी। ये कितने पड़े हैं आपके पास? यार ये तकरीबन 30 पीस तैयार हो रहे हैं। फोस्टर सेटअप किधर है इधर आपका? फोस्टर सेटअप वो पीछे है, वो रेड जाली लगी हुई है, ये वाला। हाँ जी। अच्छा अच्छा, कितना है वहाँ पे कबूतर? वो तकरीबन 80 पेयर है। 80 पेयर है। इस तरफ आए जरा, ये क्या रेसर है ये? ये वैसे ओपन छोड़े होते हैं। ये भी मिल जाएगा? मिल जाएंगे, किसी ने पोस्टिंग के लिए इस्तेमाल करने हैं। सही है। वो गया, वो भाग गया, गया गया गया, निकल गया। वो ऊपर जितना नजर आ रहे हैं आपको, चार पांच सारे इन्हीं के बैठे हुए हैं। ये देखें, ये भी यूएस नूडीन है, ये भी अगर किसी दोस्त को चाहिए हो तो शेबी भाई से ले सकते हैं ये सारे। अच्छा अभी अंदर वापस आए हैं शेबी भाई, ये काले वाले जो हैं ये कौन से हैं? ये मॉडर्न और सेमी मॉडर्न क्रॉस में है, फैंटेल है ये। फैंटेल लगे, काले लगे। ये इसका जुर्माना कितने तक होगा किसी दोस्त दोस्त को चाहिए हो तो? ये 3-4 हजार में। सही है। अच्छा यहाँ पर खाली दो जोड़ों के बच्चे नजर आ रहे हैं, एक वो वाले के और एक ये वाले, बाकी का क्या सीन है? लगाने के फोस्टर पेयर के साथ मैच नहीं होता ना, उसके बच्चे भी इसके नीचे मास्टर पेयर के नीचे, अदरवाइज जितने अंडे आते हैं वो सारे फोस्टर के नीचे चल जाते हैं। मतलब वो आप अंडे जितने भी उठाते हैं यहाँ से उठाते हैं साथ फोस्टर में डाल देते हैं, जैसे इसके भी अंडे नहीं पड़े हुए हैं, इसके भी नहीं पड़े हुए, इसके नहीं उठाए? नहीं ये एक्सपेरिमेंटल पेयर है मेरा, इसके इसकी जरा मैंने ब्रीड यहाँ पे लिए, मैंने जरा इसके स्पेशल तैयार करने हैं। वजह क्या वजह उसकी? मैंने क्रॉस में लगाया जरा, क्योंकि जो इसकी ये फीमेल बैठी हुई ना अंडों के ऊपर, ये बेहरीन बैंडेड है। क्या है? बेहरीन बैंडेड फीमेल है। अच्छा ठीक है, इम्पोर्टेड फीमेल है, और इसके साथ जो मेल लगाया है वो येलो कलर लगा के, वो कुवैत बैंडेड इम्पोर्टेड पीस है। अच्छा वो एक्सेसरीज भी थोड़ी सी दिखा दें जरा अपनी, जो आपके पास एक्सेसरीज होती है। सर भाई ये देखे दाने के लगे हुए बर्तन जनाब, जिसके अंदर दाना डालते हैं। दोनों में दाना आता है? दोनों में दाना डाला, यहाँ से खाते हैं दाना, ये पानी का है। कबूतर वो दाना बहुत ज्यादा जाया करते हैं ना भाई, ये आप लगाते हैं स्पून में सर। दाना इन्होंने देखें बिल्कुल साफ किया हुआ अंदर से ना, दाना बाहर नहीं फेंक सकते इसमें से। ये ट्रे भी दिखा दे साथ। ट्रे कौन सी है? ये पीछे ट्रे दिखा, इसमें दाना है। नहीं ये ओए गंदी तो बहुत है, लेकिन इसमें दाना कोई नहीं है सर, मेरा ख्याल है दिल ही खराब हुआ ट्रे पर निकाल के भाई पीछे करते हैं। अच्छा ये वाटर ड्रिंकर लगा हुआ है, लेकिन शेबी भाई कबूतर तो नहाता है पानी के अंदर, तो ये वाटर ड्रिंकर से कैसे इसका गुजारा होता है? नहीं हमने लाइन नहीं दे सकते ना इनको, कबूतर वो नहाता है जो वाइल्ड हो, ठीक है। इन कबूतरों को नहलाने के लिए धूप में लेके जाना पड़ता है, धूप में ट्रे बनाई या ट्रे के अंदर पानी डाल दीजिए, नहा लेते हैं। जिस तरह बाइट छोड़े हैं अभी, बाइट छोड़े हैं, बाइट ट्रे रखेंगे उसके अंदर पानी डाल देंगे, फिर नहा लेंगे, फिर जब खुश्क हो जाएंगे फिर इनको केज में डालेंगे। ये कितनी ब्रीडों के बाद आप बाइट छोड़ते हैं? सारे तकरीबन हर ब्रीड के बाद ही बाइट जाते हैं। अच्छा अच्छा, दो दिन हर ब्रीड के बाद भाई धूप लगवाते हैं, दो दिन धूप। और क्या एक्सेसरीज के अंदर? ये बर्तन दिखाएं अंडों वाला जो है आपका, ये बाउल होता है, आप ये देख लें अभी, ये आपकी कोई वेबसाइट पे आप देते हैं या कुछ साफ साफ खाना यार बोल पकड़ाओ कोई पार्क। असल भाई पार्कपेट जून के नाम से मैं काम कर रहा हूँ, मेरी वेबसाइट भी है पार्कपेट जून के नाम से, उसके साथ मेरा ऑनलाइन स्टोर है, फेसबुक के ऊपर काम कर रहा हूँ, व्हाट्सएप के ऊपर काम कर रहा हूँ, ग्रुप्स में काम। अच्छा ये दिखाएं जरा, ये क्या है? ये हमारा स्मॉल नेस्ट बाउल होता है, स्मॉल नेस्ट बाउल है सर, ब्रीडिंग के लिए इस्तेमाल होता है, जिन्होंने हाई फ्लाई रखे हैं, लो फ्लाई रखे हैं, रेसर रखे हैं, इंग्लिश है, जो छोटी ब्रीड है जितनी भी है वो सारी इसके ऊपर ब्रीड करती है। ठीक है, क्या आपका एड्रेस? तो हमारा फैसलाबाद है, मदीना टाउन फैसलाबाद, और अगर जो हमारे से एक्सेसरी वगैरह लेना चाहेगा उसका नंबर है 0317-00403-213। ये हमारा मेडिसिन का नंबर है, जो एक्सेसरी वगैरह जो लेना चाहते हैं बर्तन वगैरह या कुछ, जैसे आप टू और वीडियो देख रहे हैं या कुछ भी देख रहे हैं, तो अगर कोई बर्ड लेना चाहेगा 0365-42-714। फिर इंशाल्लाह ताला जल्दी मुलाकात होती है, फिलहाल अभी हम निकलते हैं यहाँ से क्योंकि हमने आगे भी जाना है, तो ये कबूतर सारे एंजॉय कर रहे हैं बाहर।